आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अमृतसर में रावण दहन देख रहे लोगों को ट्रेन ने कुचला, 60 से ज्यादा लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी नहीं लड़ेंगे चुनाव, महागठबंधन का फैसला। छतरपुर में कार से कैश बरामद, चुनाव में हो सकता था इसका इस्तेमाल। कई जगह चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले, नेता नहीं आ रहे अपनी से बाज। और देश भर में धूमधाम से मनाया गया दशहरा, जगह जगह जले रावण के पुतले। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। अमृतसर में जोड़ा फाटक के पास शुक्रवार को दशहरा उत्सव में हुए ट्रेन हादसे में 61 लोगों के मरने की खबर आई है, वहीं आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के 15 घंटे के बाद पहली बार मुख्यमंत्री कैप्टन अरमिंदर सिंह मीडिया के सामने आए। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ बैठक की। अमृतसर में रावण दहन देखना कुछ लोगों की मौत की वजह बन गया। मात्र 5 सेकंड में धड़धड़ाती ट्रेन ने रावण दहन देख रहे लोगों के परखच्चे उड़ा दिए। इस घटना के बाद पंजाब में राजनीति गर्मा गई। इस हादसे में अब तक 61 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों ने कई जगह शवों के साथ प्रदर्शन किया। इसके बाद स्थिति को देखते हुए रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया और उन्होंने कहा कि हादसा इतना दर्दनाक है कि मुर्दा घरों में जगह कम पड़ जाएगी। इतने भीषण हादसे के बाद सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा की है और इसके कारण राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहे। जिस कार्यक्रम को देखने के दौरान यह हादसा हुआ उसमें नवजोत कौर सिद्धू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। नवजोत कौर पर हादसे के बाद मौके से चले जाने का आरोप भी लगा है। हालांकि उनके पति और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इसे हादसा करार दिया है और अपील की है कि इस पर राजनीति ना की जाए। सिद्धू हादसे के बाद शनिवार सुबह हादसे में घायल लोगों से मिलने के लिए गुरु नानक देव अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने घायलों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया और कहा यह बड़ी लापरवाही थी, लेकिन यह जानते बूझते नहीं किया गया। बीती रात 12:40 पर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जोड़ा फाटक रेल ट्रैक घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक के पास हुआ दशहरा आयोजन की अनुमति नहीं ली गई थी। ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने के विषय पर उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है, जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। अमृतसर निगम कमिश्नर सोनाली गिरी ने कहा कि आयोजन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। वहीं आयोजनकर्ता पार्षद विजय मदान के बेटे व कांग्रेसी नेता सौरभ मदान ने कहा कि उन्होंने समारोह की जानकारी डीसीपी और संबंधित थाने में दी थी। दुर्घटना में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री कैप्टन अरमिंदर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अपनी अलग जांच करेंगे। कैप्टन ने कहा कि हमने मुआवजे के लिए 3 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और आदेश दिया है कि पीड़ितों में मुआवजा जल्द से जल्द बांटा जाए। हादसे के दौरान मैंने जांच के आदेश दिए हैं और 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही होगी। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी से बात कर अमृतसर हादसे पर दुख जताया है। वो मैंने पोस्टपोन कर देता है और मैं कल सवेरे जा रहे हैं अमृतसर जिथे ये हादसा होया, जिथे इन्ने लोग, आज ये भी नहीं पता सानू कि किन्ने लोग ने जो इस रेल हादसे दे विच ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन के मुख्य पदाधिकारी ने यह अहम फैसला लिया और तय किया कि अजीत जोगी 90 सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों के बीच चर्चा हुई और यह अहम निर्णय लिया गया कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी अजीत जोगी को कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, बल्कि सभी 90 सीटों से चुनाव प्रचार कराया जाएगा। महागठबंधन के इस निर्णय का कारण बताते हुए कहा कि अगर JCCJ अकेले 90 सीटों पर चुनाव लड़ती तो अजीत जोगी जी खुद चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र थे और उन्होंने ऐसा किया भी, किंतु महागठबंधन होने की वजह से उनके दौरा सभा और प्रचार कार्यक्रमों की संख्या दुगनी हो गई है और इसीलिए अब उनका समय अभी 90 विधानसभाओं में प्रमुखता से बांटना चाहिए। अगर जोगी किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनका अधिक समय उस अकेली सीट में प्रचार करने में व्यतीत होगा, जिससे महागठबंधन को अन्य स्थानों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पर अजीत जोगी ने कहा कि महागठबंधन के निर्णय के अनुसार ही वो चलेंगे। इस मामले पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे विशेष संवाददाता संजीव पचौरी हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। संजीव जी, महागठबंधन का फैसला है, अजीत जोगी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या चर्चा हुई है वहाँ? दरअसल अजीत जोगी का जो व्यक्तित्व है, जो चेहरा है, जितना बड़ा उनका वो एक प्रभाव क्षेत्र है, तो गठबंधन ये चाहता है कि अजीत जोगी सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सीट पे सिमट के ना रह जाए और उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो पूरे प्रदेश में हैं, तो गठबंधन चाहता है कि पूरे प्रदेश में 90 सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार करें वो, ताकि अधिक से अधिक सीटें निकाली जा सके। क्योंकि अगर वो कहीं एक सीट से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे वो एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित हो जाएंगे और जो गठबंधन ऐसा नहीं चाहता जी। लेकिन संजीव, महागठबंधन की बात करें या अजीत जोगी की बात करें तो वहां मुख्यमंत्री का चेहरा तो अजीत जोगी ही रहेंगे। बिल्कुल, ये तय है कि हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है कि महागठबंधन बहुमत ले आएगा और सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा माना जाता है, इनकी ऐसा सोचना है कि अगर ऐसा होता है संयोग से कि इनका गठबंधन बहुमत में आ जाता है तो अजीत जोगी सीएम होंगे, ये तय है फिर। जी बिल्कुल, शुक्रिया संजीव। छतरपुर से दो हत्याओं के मामले सामने आए हैं। पहली खबर छतरपुर के राधेपुर की है, जहां दो पक्षों के बीच बचाव करने आए युवक का कत्ल कर दिया गया। वहीं नौगांव में एक रिटायर्ड फौजी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। छतरपुर में राधेपुर गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। फिर गांव में ही प्रेमचंद साहू ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, तभी गांव के एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रेमचंद को डंडों से मारना शुरू कर दिया, जिससे प्रेमचंद की मृत्यु हो गई। हत्या की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राधेपुर के बल्ले कुशवाहा और कल्लू कुशवाहा, ये झंझन देवी दर्शन को गए थे। झंझन देवी दर्शन करने के बाद में इन्होंने झंझन देवी के मंदिर में अपना तालाब में फूल तोड़ने के लिए घुसे, उसमें कल्लू कुशवाहा डूब के ख़त्म हो गया। इसी मुद्दे को लेकर के बाबू कुशवाहा, इनका परिवार इस बात की जिद पे अड़ा था कि पुष्पेंद्र ने डुबा दिया। आज बाबू कुशवाहा अपने दोनों भाइयों के साथ में, बहनोई के साथ में, अन्य व्यक्तियों एक अन्य व्यक्ति के साथ अयोध्या कुशवाहा के घर पर गया। वहाँ पर प्रेमचंद साहू के पुष्पेंद्र कुशवाहा के बारे में पूछताछ की, उसने कि तुमने छिपा के रखा है, इन्होंने मना किया कि छिपा के नहीं रखा है। इसी मामले को लेकर के इन्होंने जो है प्रेमचंद साहू के साथ मारपीट कर हत्या कर दी। अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इनके ठिकानों पर दबिश दी गई है, किंतु ये उपलब्ध नहीं हुई है। अब बात छतरपुर के नौगांव की, जहां एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक एक रिटायर्ड फौजी था। हत्या के कारण का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, हालांकि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये अनूप तिवारी ने एक सूचना दी थी कि उनके भाई जो पिपरी में रहते हैं और रिटायर्ड फौजी हैं, तो वो अपने खाट पर पड़े हैं, खून से लथपथ पड़े हुए हैं। तो उस सूचना पर हम लोग यहाँ आए थे तो शव का निरीक्षण किया, तो
उसमें धारदार हथियार से उनके सिर पर चोट पहुंचा के हत्या की गई थी, जिस पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। एफएसएल टीम मौके पर है, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। छतरपुर में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने की खबर मिलने के बाद कांग्रेस नेता ब्रजराज तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तिवारी ने एक धार्मिक स्थल पर लोगों को भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की शपथ दिलाई है। ये है आजाद शक्ति नामक संगठन के प्रमुख और युवा कांग्रेस के जिला महासचिव ब्रजराज तिवारी। ब्रजराज पर आरोप है कि इसने एक धार्मिक स्थल पर लोगों को शपथ दिलवाई कि सब मिलकर बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। ब्रजराज तिवारी कांग्रेस के नेता आलोक चतुर्वेदी के गुट के हैं। आलोक चतुर्वेदी एक बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर हार चुके हैं, इस बार भी ये टिकट के प्रमुख दावेदार हैं। सुन लीजिए, इनके समर्थक ने आचार संहिता का छतरपुर में खुलेआम उल्लंघन कर क्या कहा। आज हम सभी शपथ लेते हैं माता के चरणों में कि मैं छतरपुर विधानसभा का एक जागरूक युवा हूँ। मैं उस व्यक्तित्व को चुनूंगा जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, जो हमारी बात सुनेगा, जो हमारे सुख दुख में शामिल होगा। हम उन्हीं को चुनेंगे, हम ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सका। हम इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भारत माता की जय। छतरपुर के वार्ड क्रमांक 19 में युवा कांग्रेस के जिला महासचिव ब्रजराज तिवारी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की लोगों को कसम दिला रहे थे। जब इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 का 125 126 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला कायम कर हिरासत में लेते हुए जमानत पर छोड़ दिया। संज्ञान में आया था कि कोई व्यक्ति एक बीजेपी के विरोध में वोटिंग डालने की अपील कर रहा है, तत्काल उस पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने स्वमेव सेल्फ एक्शन लेते हुए हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया। तो नंबर ब्रजराज तिवारी जो सरकनपुर थाना खरगापुर जिला टीकामढ़ का निवासी है, वर्तमान में छतरपुर में देरी रोड में रह रहा, उसके द्वारा भाषण दिया गया जो कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की शर्तों का उल्लंघन है। 125-126 का प्रकरण पंजीबद्ध किया, उसको गिरफ्तार किया गया, जमानती अपराध होने से उसको जमानत पर छोड़ दिया गया। होशंगाबाद में विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा समर्थक नेताओं द्वारा निकाली गई सलकनपुर पदयात्रा विवाद से घिर गई है। इसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता आशुतोष सराठे ने बताया कि स्थानीय नेता भैयाजी सरकार के नेतृत्व में बिना परमिशन के सलकनपुर पदयात्रा निकाली गई। यह यात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के होशंगाबाद दौरे के दिन निकाली गई थी। पुलिस ने अब आर्म्स एक्ट एवं कोलाहल अधिनियम के तहत सभी 9 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जनपद अध्यक्ष संगीता सोलंकी, नरेंद्र सोलंकी, वैभव सोलंकी सहित अन्य 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। सभी आरोपी विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा के समर्थक बताए जा रहे हैं। 600 वर्षों से मनाए जाने वाले दशहरा पर बस्तर राज परिवार द्वारा निभाई जाने वाली अस्त्र शस्त्र और अश्व पूजा की रस्म पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई। यह विधान 58 साल पहले परिस्थिति वश बंद हो गया था। इसके लिए इतने अंतराल के बाद राज परिवार का शस्त्रागार खोला गया, साथ ही मुंबई से 5 घोड़े भी इस विधान के लिए मंगवाए गए थे जिसका विधि विधान से पूजन किया गया। वैसे तो बस्तर का दशहरा जग प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार इसकी चर्चा राज परिवार के पूजा पाठ को लेकर ज़्यादा है। बात 1960 की है जब भारत सरकार एक एक कर सभी रियासतों को भारतीय गणतंत्र में विलय कर रही थी। बस्तर रियासत के तत्कालीन महाराजा प्रवीर चंद भंज देव ने बस्तर रियासत को विलय करने से इनकार कर दिया था।
काफ़ी प्रयासों और बैठकों के दौर के बावजूद बस्तर रियासत का विलय नहीं कराया जा सका। अंततः कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र के आदेश पर बस्तर पर आक्रमण किया गया। बस्तर के आदिवासियों के लिए भगवान समझे जाने वाले राजा प्रवीरचंद भंजदेव को महल के भीतर गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस युद्ध में हजारों आदिवासियों ने अपनी जान गंवाई थी। तब से बंद हुई ये परंपरा अब जाकर पुनः निभाई गई। खुद देख सकते हैं कि मैं घोड़े ला रहा हूँ, आज लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, हम घोड़े खरीद के ला रहे हैं ताकि जो परंपरा है हमारे बस्तर की उसको अपन पुनर्जीवित कर सकें। कहीं ना कहीं बस्तर की परंपरा को उसी तरीके से रखना चाहिए। मौली पर गाँव में बहुत सारे मुझे अभी कल ही पता चले, मैं बस मेल आया था जिसमें कि जिस तरीके से पुराने जमाने में प्रोटोकॉल होता था वो भी निकल के आया है। हम लोग कोशिश करेंगे उस तरीके से वापस बात करके प्रशासन से ताकि इस तरीके की दिक्कत ना हो, और हमारे माजी मुखिया सबसे सलाह लेकर के पूरे बस्तर के संभाग से सलाह लेकर के मिल करके बस्तर के जो सनातन उसको वापस बचा के रखें ताकि ये परंपरा वापस जीवित रहे। दरअसल बस्तर राज परिवार को स्थानीय आदिवासी देवता की भांति पूछते हैं। राजा प्रवीरचंद भंजदेव की कथित हत्या के लिए स्थानीय आदिवासी कांग्रेस को जिम्मेदार समझते रहे हैं। लंबे अंतराल तक लगभग गुमनामी में रहे राज परिवार के फिर अच्छे दिन तब लौटे जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। वर्तमान राजकुमार कमलचंद भंजदेव की माँ मूलतः गुजरात में राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं। गुजरात के उक्त राज परिवार के संपर्क नरेंद्र मोदी के साथ होने के कारण बस्तर राज परिवार के बुरे दिनों का लंबा दौर खत्म हो सका। कमलचंद भंजदेव वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका 3 साल पहले बाकायदा राज तिलक किया गया था। कमलचंद का कहना है कि पिछले 50-55 सालों में बस्तर दशहरे के सरकारीकरण ने इस त्यौहार का वास्तविक मूल स्वरूप नष्ट कर दिया है। अब उनका प्रयास है कि 600 सालों से मनाया जाने वाला दशहरा अपने मूल स्वरूप में लौटे। संजीव पचौरी, दखल न्यूज़, जगदलपुर। एक जमाने में छत्तीसगढ़ में 36 रियासतें हुआ करती थी, तब से आज तक रियासतों की अपनी परंपराएं कायम है और लोग भी इन परंपराओं को निभाते चले आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारे टीएस सिंहदेव के आसपास देखने को मिलते हैं। सिंहदेव छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष होने के साथ अंबिकापुर के राजा भी हैं। छत्तीसगढ़ के लोग सभ्यता, संस्कार और संस्कृति को आज भी अपनी जीवन शैली में समाहित किए हुए हैं। राजघरानों और राजाओं के प्रति सम्मान की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा आज भी ज्यों की त्यों यहाँ मौजूद है। अंबिकापुर के राजा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव आज भी अपने क्षेत्र में पूजे जाते हैं। दशहरा का पर्व रामायण की गाथा से जुड़ा हुआ पर्व कई सदियों से मनाया जाता रहा है और रामायण के आदर्शों के अनुरूप जब राम जी ने रावण का वध किया उसे एक त्यौहार के रूप में देश भर में मनाया जाता है, भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो सामाजिक तौर पे रावण दहन राम जी की युद्ध में विजय का प्रतीक और व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति के अंदर का द्वंद्व, सदैव द्वंद्व जो एक बना रहता है अच्छाइयाँ और बुराइयों के बीच में, जो सदा एक संघर्ष हर व्यक्ति के अंदर बना रहता है, उसमें अच्छी प्रवृत्तियाँ, मानवीय प्रवृत्तियाँ, शुभ प्रवृत्तियाँ विजयी हों, ये दशहरा के पर्व का अर्थ है। छत्तीसगढ़ी परंपराओं में राजा को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। दशहरे पर लोग राजा के दर्शन कर आशीर्वाद लेने राजमहल जाते हैं। इस दिन राजा दिन भर महल में ही मौजूद रहते हैं। आप जो दृश्य टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चित्र राजा के प्रति प्यार और सम्मान को दर्शाते हैं। वैसे भी टीएस सिंहदेव लोगों के बीच अपनी सहजता, सरलता और मधुरता के लिए बचपन से ही मशहूर रहे हैं। राजभर में आज भी लोगों ने बाबा के नाम से ही संबोधित करते हैं। राजघरानों में बाल अवस्था में राजकुमार को बाबा या बाबा साहब ही कहा जाता था। मुंगावली में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शहर में पथ संचलन निकाला, वहीं दुर्गा विसर्जन चल समारोह के बाद देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। मुंगावली में सरस्वती शिशु मंदिर परिसर से शुरू हुए आरएसएस के पथ संचलन से पूर्व स्वयंसेवकों ने शस्त्र पूजन किया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने भारत माता की रक्षा एवं राष्ट्रहित में संकल्प भी लिया, जिसके बाद पथ संचलन शुरू किया गया। पथ संचलन सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से शुरू होकर मुंगावली के मुख्य मार्ग से गुजरा। पथ संचलन का जगह जगह फूलों की वर्षा से स्वागत किया गया। मुंगावली में दुर्गा विसर्जन चल समारोह बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। नगर परिषद ग्राउंड से एक विशाल दुर्गा विसर्जन का चल समारोह मुंगावली के प्रमुख मार्गो से भुजरिया तालाब एवं बेतवा नदी तक पहुंचा, जहां पूजा अर्चना के बाद श्रद्धापूर्वक देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।
दशहरे के अवसर पर भोपाल के बैरागढ़ में रावण का पुतला फूंका गया और रंगारंग आतिशबाजी भी की गई। हमारे संवाददाता कमलेश वरलानी ने बताया कि संत हिरदाराम नगर में नवयुवक सभा ने दशहरा मैदान पर रावण मेघनाथ का पुतला दहन कार्यक्रम किया। यहां रंगारंग आतिशबाजी की गई। इससे पहले नवयुवक सभा स्कूल से राम बारात निकाली गई जो संत नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई दशहरा मैदान पहुंची। यहां आए हुए अतिथियों द्वारा भगवान राम लक्ष्मण को तिलक लगाकर पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात मेघनाथ एवं रावण का पुतला दहन किया गया। जामखेड़ी गांव में मिट्टी की खदान धसकने से 4 बच्चे दब गए। इस दौरान खदान में दबी एक 11 साल की मूकबधिर बच्ची मिट्टी हटाकर जैसे तैसे बाहर निकली और उसने इशारे से गांव के लोगों को 3 बच्चों के दबे होने की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने गंभीर घायल 3 बच्चों को बाहर निकाला। अशोकनगर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत भी हो गई। हमारे संवाददाता विक्रम यादव ने बताया कि अशोकनगर के जामखेड़ी गांव के 4 बच्चे घर की मरम्मत के लिए खदान से मिट्टी निकाल रहे थे कि अचानक खदान धसक गई और 4 बच्चे उसमें दब गए। चंदो खान, मुस्कान, तमन्ना और अरबाज काफी देर खदान में दबे रहे। खदान में दबी 11 साल की मूकबधिर बच्ची तमन्ना मिट्टी हटाकर जैसे तैसे बाहर निकली। उसने पास के खेत में काम कर रहे लोगों को इशारे से सारा घटनाक्रम बताया। तब खदान में दबे 3 बच्चों को बाहर निकाला गया। तमन्ना और अरबाज को मामूली चोटें आने के कारण उन्हें पिपरई सामुदायिक केंद्र में उपचार के बाद भेज दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल चंदो और मुस्कान को जिला अस्पताल लाया गया। यहां उपचार के दौरान चंदो की मौत हो गई। मुस्कान की हालत गंभीर होने पर उसे भोपाल रेफर किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।